ठीक है। ओ गाइस, वैसे आप लोग एक्साइटेड हो? दो दिन बाद हमारा एसडीएम का रिजल्ट आने वाला है। हाँ यार। अरे चेतना। अरे हाँ, ये तो चेतना ही है। अरे तुम जानते हो इन्हें? अरे तू इस टूटे फूटे रिक्शे में क्या कर रही है? अरे ये रिक्शे वाला तुझे देख देख के खुश क्यों हो रहा है? क्या चक्कर है? क्या है नाम उनके? वो एक्चुअली इसकी जो माँ है ना, वो मेरे घर की नौकरानी है और ये रिक्शा चलाता है। तो तेरे को तो पता ही है कि मैं कितनी अमीर हूँ और मेरे हस्बैंड भी कितने अमीर है, कितना बिजनेस है उनका और हम चैरिटी भी बहुत करते हैं, इसलिए बस इन लोगों की मदद कर देते हैं। हाँ सच में यार, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। वही तो, नहीं तो ये तो गाड़ी से पैर नीचे नहीं रखती और आगे को रिक्शे में घूम रही। मुझे तो लगा पता नहीं क्या हो गया इसको। और वैसे पता ना, दो दिन बाद अपना एसडीएम का रिजल्ट आने वाला है। हाँ हाँ पता है। और रही बात रिक्शे की, तो तुमको तो पता है मैं गाड़ी में ही रहती हूँ, मुझसे ना इतनी गर्मी में बाहर घूमा नहीं जाता। तो अब इसका भला करने के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये ना ईमानदार बहुत है, सिर्फ ईमानदारी के पैसे लेता है। और मेरे को पास ही कहीं जाना था तो मैंने सोचा रिक्शे से जाके ट्राई करती हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को मना कर दूंगी, मुझे ये सारी चीजें ना बिल्कुल पसंद नहीं आती, मैं वैसे ही पैसे दे दिया करूंगी इसे। हाँ वैसे तेरे स्टैंडर्ड को देख के सूट नहीं करता ये रिक्शा, और ऐसे रिक्शे वालों की नीयत भी अच्छी नहीं होती। देख तेरे को देख देख कैसे हंस रहा था, जैसे तेरा पता नहीं कितना करीबी रिश्तेदार हो। और तो ये बता, थैले में क्या ले रखा है तूने? तू तो जारा और एचएम से नीचे शॉपिंग नहीं करती, तो ये क्या कर रहे की सोम बाजार से शॉपिंग करी है क्या? अरे नहीं, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, ये ना मेरे पुराने कपड़े हैं, तुम जानते हो मैं ये कपड़ा ज्यादा दो बार पहन लेती हूँ फिर मैं नहीं पहनती। तो मैंने सोचा गरीबों को दे आती हूँ, उनके काम आ जाएगा। बहुत अच्छी सोच है तेरी। चल वैसे अगर रिक्शे में नहीं जाना तो गाड़ी में बैठ, छोड़ देती हूँ तुझे। अरे नहीं, मेरा घर पास में ही है तो मैं रिक्शे से ही चली जाती हूँ। और वैसे भी इसको शाम को ना मेरे घर आना ही होता है अपनी मम्मी को लेके जाने के लिए, तो मैं घर ही चली जाती हूँ। अरे तुम ये सारी बातें छोड़ो, हमारा एसडीएम का दो दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम ऑल्सो। और तुझे पता है वैसे तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तेरा पति तुझे शादी के बाद भी पढ़ा रहा है, वो भी तेरी ख्वाहिश की चीज है, जो तू चाहती थी एसडीएम की पढ़ाई करना। वरना आजकल के लोग कहां ही शादी के बाद पढ़ाते हैं, सीधा ये कहते हैं घर संभालो और बच्चे पैदा करो। लेकिन तू तो बहुत लकी है, है ना? बहुत ज्यादा लकी है। देखो कितना मॉडर्न बना के रखा हुआ है इसे, ये तो आजकल की बीवी को तो सूट सलवार पहना के रखते हैं। हाँ वो तो है, मैं लकी तो बहुत, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। जितना भी काम करते हैं सिर्फ मेरे लिए करते हैं, जितना पैसा कमाते हैं सब मुझे देते हैं ताकि मैं कामयाब हो सकूं और कुछ बन सकूं। चलो सही कहा तूने, इसका फायदा तेरे ऊपर दिख भी रहा है। वैसे रिक्शे रिक्शे में मत घूमा कर यार, लोग गलत सोचते हैं। और हाँ, स्टैंडर्ड को भी सूट नहीं करता। चल कोई बात नहीं, कल मिलते हैं दो दिन बाद रिजल्ट के टाइम। हाँ हाँ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट तुम सबको भी। चल ठीक है, चलो गाइस बाय। चेतना, आपने अपने दोस्तों से झूठ क्यों बोला कि हम आपके रिक्शे वाले हैं? देखो आकाश प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ ना, ये मेरे साथ ही पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इनको बता देती कि मेरा हस्बैंड रिक्शा चलाता है, तो आपको तो पता है ना ये अमीरजादे कैसे होते हैं, मेरे को बुली करते और मेरी पढ़ाई में भी इफेक्ट पड़ता। सॉरी, मैं चाहती नहीं थी कि मैं उन्हें बताऊं। और वैसे भी उनके साथ हमने कौन सी जिंदगी बितानी है, एक झूठ अगर मैंने बोल भी दिया कौन सी बड़ी बात है। और जब मैं एसडीएम बन जाऊंगी मैं सबको सच बता ही दूंगी। ठीक है, आपने ना बहुत सही किया उनको नहीं बताया, वरना वो आपके ऊपर हंसते और फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। और जब आप एसडीएम बन जाओगे तो हम भी सबको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि एक रिक्शे वाले की बीवी एसडीएम है, हमने आपको एसडीएम बनाया, सबको बताएंगे। आप चले? हाँ चलो चलो। उसने पार्टी दी थी मॉल में, सारे फ्रेंड्स आए थे, अभी उसी से मिलकर आ रही हूँ, उसके हस्बैंड से भी, बहुत अच्छे हस्बैंड है उसके। हस्बैंड से? अरे लेकिन वो तो मैं हूँ ना। क्या बकवास कर रहे हो, थोड़ा तमीज में बात करो और लेवल देख कर। अच्छा मेरी फ्रेंड एसडीएम बन गई और तुम्हारी मम्मी उसके घर में काम करती है, तो आप क्या तुम अपने आप को उसका पति बता रहे हो? अरे नहीं मैडम, आपको गलत लग रहा है, वो उस दिन चेतना जी ने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं रिक्शा चलाता था ना, आप लोग उस पर हंसोगे, बाकी मैं ही उसका पति हूँ।
ये क्या बकवास कर रहे हो, हम क्यों हंसेंगे? कोई कुछ भी करे, काम काम होता है, हमारी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पहली बात, उसने खुद ने बताया था कि उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और तुम कहीं नहीं हो। उसने साफ तो बताया था कि तुम मिल चलाते हो, तुम्हारी मम्मी उसके घर में काम करती है। नहीं रूपी जी, आप गलत समझ रहे हो, उल्टा हमारी मम्मी तो उनकी सास है। चेतना जी ने आपको जानबूझ के सब नहीं बताया था, क्योंकि आप अमीर खानदान से हो ना, तो के ऊपर आप लोग हंसते इसीलिए। कुछ भी ना मत बोलो, अपनी इमेज क्रॉस कर करो। मतलब तुम बोल दोगे मैं मान जाऊंगी कि चेता तुम्हारी वाइफ है? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? मैं दिखा सकती हूँ कि उसका पति कहाँ है। अच्छा आप दिखाओ हमें। हाँ, चलो मेरे साथ। चेता, काश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पहले तुम ये बताओ कि तुम इसके साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? वो ये मेरा दोस्त है। दोस्त है? दोस्ती की सीमा पता है मुझे? एक कंधे पर सर रख के क्या दिखाने जा रही थी तुम? ये ऐसी दोस्ती होती है? हाँ तो क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या कर लेगा बता। तुझे शायद मालूम नहीं है कौन है मेरी। कौन है? ये मेरी वाइफ है। तो क्या हुआ, तेरी बीवी थी, तेरे पास पैसा होता तो तेरे पास होती आज, मेरे पास पैसा है तो मेरे पास है आज। आज वो जिस मुकाम पर है ना, जिस वजह से तू उसे पसंद कर रहा है, उस मुकाम पर वो मेरी वजह से पहुंची है। बस बहुत हो गया, क्या किया तूने मेरे लिए? अरे रिक्शा चलाता था तू, 10-20 रुपए लेके आ जाता था तो बहुत बड़ी बात होगी। जिस मुकाम पर मैं हूं ना, वो मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। मैंने पढ़ाई करी, मेहनत करी, तूने सिर्फ मेरे कॉलेज की फीस भर दी, इंस्टीट्यूशन की फीस भर दी, तो बस बहुत बड़ा हो गया क्या तू? बहुत बड़ा काम नहीं किया तूने, बहुत अच्छे जानती हूँ मैं। तू चाहता था कि मैं SDM बन जाऊँ ताकि तू बैठ के घर पे खाए, और वो ही कर रहा है। जब से मैं SDM बनी हूँ तूने रिक्शा चलाना भी छोड़ दिया और घर पे बैठा मेरे पैसे में ऐश कर रहा है। और क्या बहाने दे रहा है कि मैं भी SDM बनूंगा। एक घर में दो SDM बने, कितना नाम रोशन होगा हमारा। और पढ़ता लिखता तो फिर भी नहीं है, बस किताब उठा के ड्रामे करता है। इतना इंतजार ना मुझसे नहीं होता सक्सेस का। तेरे साथ मैं सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मुझे साथ चाहिए था कि कोई मुझे बस सपोर्ट करे जब तक मैं SDM ना बनती। और वैसे भी मेरे ना बहुत बड़े सपने हैं, लग्जरी लाइफ जीनी है मैंने, बड़ी बड़ी कार्स में घूमना है और अच्छे घर में रहना है। तेरी तरह नहीं, वो दो कमरे के मकान में पूरा खानदान बसा हुआ है। तुमने तो हमसे बताया कि तुम्हारा पति है, अब तो यहाँ अलग ही ड्रामा है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ये तुम्हारा रिक्शा वाला पति, ये क्या है? तुमने कभी कुछ सीधे तरीके से कुछ बताया अपनी लाइफ का? देखो रूबी, ये ना मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें घुसो मत। और तुमने बताया ना इसको कि मेरा रिश्ता इसके साथ है? अरे क्यों मेरा घर बर्बाद करने में तुली हुई हो? मैंने पहले ही सोच लिया था कि थोड़े टाइम इसके साथ रहूंगी फिर इसको छोड़ दूंगी। चेतना, कॉलेज में हमें लगता था कि तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हारा पति तुम्हें पढ़ाता है शादी के बाद। आजकल कौन से आदमी पढ़ाते हैं अपनी बीवियों को? लेकिन नहीं, तुम्हें कभी कदर ही नहीं आकाश की। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा पति है तो मुझे तो गर्व होने लगा इस इंसान पे। देखो रूबी, मैंने बोला ना तुम बीच में मत बोलो, और तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुमको पता भी नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ कैसे जी है। अरे एक रिक्शा वाले से शादी हुई है मेरी, और मेरी कैसी जिंदगी होती मुझे ही पता है। अरे दो टाइम की रोटी ढंग से मिलती नहीं थी, और तेरे को क्या, तेरे पापा भी अमीर है, अच्छी लाइफ सेट है तेरी, है ना? और अगर तू SDM नहीं भी बनी तो तेरे पापा कहीं अच्छे घर में शादी कराएंगे, तू तो अपनी लाइफ अच्छे जिएगी। और जिनके पास पैसा होता है ना, वो ऐसी अच्छी वाली बातें करते हैं, तेरे पास पैसा नहीं होता ना, तू भी यही करती। इस रिक्शे वाले की गलती के वजह से आज तुम यहाँ पर खड़ी हो और अपनी रातें रंगीन कर रही हो, और मेरी गलती है? हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरी गलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हें पढ़ाया। अरे तुम जैसी औरतों की वजह से ना लोग अच्छी औरतों पर भरोसा नहीं करते हैं। आज मेरा केस है, मेरा केस देखे ना, कल को 36 और लोग है ना अपनी बीवियों को पढ़ाने से डरेंगे, कतराएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी लगेगा कहीं उनकी बीवी उनके साथ ये ना कर दे जो तुम मेरे साथ कर रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, जहां आदमी 12 घंटे काम नहीं कर पाता वहां मैंने 18 घंटे काम करा ताकि तुम्हें पढ़ा सकूं, तुम्हारे कॉलेज की फीस भर सकूं, तुम्हारे लिए किताबें ला सकूं, तुम्हें खाना बनाकर खिलाया, तुम्हारे लिए चाय बनाई, रात रात तुम्हारे लिए कॉफिया बनाई, और क्या करता इससे ज्यादा? एहसान कर दिया मुझ पे। भैया हम शांत हो जाओ,
और ऐसा है ना, ये बकवास बाहर जाके करना, मेरे घर पे है ना उड़दंग नहीं चलेगा। मैं तो अभी पुलिस को बुलाऊंगा और तुझे जेल भिजवा दूंगा। समझ में आ रही है तेरे को? पुलिस को बुलाएगा? पुलिस मैं भी बुला सकता हूँ, क्योंकि लॉ मुझे भी बहुत अच्छी तरह मालूम है। क्योंकि इसको एसडीएम बनाने से पहले वो सपना मेरा था, लेकिन मैंने सोचा पहले अपनी बीवी का सपना पूरा करूंगा, बाद में मैं एसडीएम बनूंगा। और रही बात पुलिस को बुलाने की, तो तुझे भी बता दूं कि एक बीवी का पहले से पति होते हुए ना, वो किसी और के साथ अफेयर नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो वो और उसके साथ वाला दोनों जेल के अंदर जाएंगे। अब पता, मैं बुलाऊं पुलिस को? हाँ, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। और मैं पता क्या बोलूंगी उनको, कि मेरा पति मुझे मारता पीटता है, मुझे घर पे बांध के रखता है, और तुम्हारा वैसे भी क्या प्रूफ है कि मेरा बॉयफ्रेंड है? मैं बोल दूंगी कि मेरा दोस्त है, तो मेरी मदद करा था तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए। मैं बोल दूंगी तुम मुझे इतना टॉर्चर करते थे, घर से बाहर तक निकलने नहीं देते थे, और इसने बस मेरी मदद की, इसलिए तूने झूठा इल्जाम लगाया। भूल मत, इस देश में ना लड़कियों की सुनी जाती है, ना कि लड़कों की। अरे शर्म आनी चाहिए तेरे को, कितनी नीच औरत है तू, इस हद तक गिर जाएगी अपने आप को सही करने के लिए। मुझे तो गुस्सा आता है हमारे देश के संविधान पर, कि वो ऐसा कानून भी लाए कि एक औरत अपनी मर्जी के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। भैया एक काम करिए, चेतना तुम प्लीज इस मैटर को सॉर्ट आउट कर दो। भैया आप चलिए। हाँ ठीक है, मैटर सॉर्ट करते हैं, अभी सॉर्ट करते हैं। मैं ना तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ घुट घुट के रहना नहीं चाहती, और मैंने सोच लिया है कि मैं इससे शादी करूंगी। ए, पागल वागल है क्या? शादी वादी, और वो भी तुझसे? शक्ल देखी अपनी आईने में, एक पति तो तुझसे झेला नहीं गया और दूसरे की ख्वाहिश कर रही है। मैं तो तेरे साथ टाइम पास कर रहा था, और तेरे जैसी कई लड़कियां ना मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पास पैसा है और पैसे से हर वो चीज लाई जा सकती है जो कोई और नहीं ला सकता। तो ये बकवास ना तू मेरे सामने मत कर। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे शादी भी करोगे, ये तुमने मुझे धोखा दे रहे हो। हाँ उससे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, शादी करने के लिए नहीं। तेरे जैसी बहुत लड़कियां हैं जो मेरे साथ आने के लिए तैयार है। समझ में आ रही है तेरे को? देखिए भैया, करने का फल यही मिल जाता है सामने, उसके लिए नर्क या स्वर्ग नहीं होता। चलो आप। और हाँ, इस कबाड़ को अपने साथ लेके जा, तेरे को मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा ना, तुझे पता नहीं है मैं पहले से शादी शुदा हूँ। निकल यहाँ से। तुम्हें तुम्हारा नया आशिक मुबारक हो, खुश रहना उसके साथ। अबे सुन, ये समझ में नहीं आ रही, निकल अपने रास्ते। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हुई है। ये झूठ ना अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारे खिलाफ ना केस भी कर सकती हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अच्छा क्या सबूत है कि मैंने तेरे को धोखा दिया है? क्या साबित करेगी कोर्ट में? कोर्ट तो सबूत मांगता है, जो कि तेरे पास है नहीं। कोई प्रूफ, कोई एविडेंस है तेरे पास? देखो तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। देख मेरे पति को भी पता चल गया है कि मैंने धोखा दिया, मैं वहां भी नहीं जा सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने बोला था अपने पति को धोखा देने के लिए, तू भी मेरे पीछे आई थी ना, मैंने तो कोई फोर्स नहीं करा तुझे, और मैं तुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तू मेरे पास सिर्फ पैसे के लिए आई थी, और कोई वजह नहीं है तेरे पास। अगर कोई कल मुझसे और अमीर मिलेगा ना, तो तू उसके पास हो लेगी। देखो हम ना बैठते हैं और ये बात को सॉर्ट करते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता तुमसे टूटे, मैं सच्ची में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बकवास ना तेरी बहुत हो गई, अब मैं हाइपर हो रहा हूँ, और मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए ना, इससे पहले तू यहाँ से निकल ले, नहीं तो तेरी लाश ना यहाँ घर से निकल के जाएगी। निकल यहाँ से।